आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय वचन 19 से 31। तब परमेश्वर का दूत जो इसराइली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इसराइलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इसराइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाई ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए, और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इसराइलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इसराइलियों के पीछे समुद्र में आए थे वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें से एक भी ना बचा, परंतु इसराइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए, और जल उनकी दाहिनी और बाई दोनों ओर दीवार का काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इसराइलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया, और इसराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा, और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इसराइलियों ने यहोवा का भय माना, और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया।